हम ICF के अंदर हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम कलाकृतियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। आमतौर पर आपने ऐसी फैक्ट्री नहीं देखी होगी जिसमें कला को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, और यहाँ पर जगह जगह आप अलग अलग तरीके की कलाकृतियाँ बनते हुए देख सकते हैं, बनी हुई हैं, और ICF के अंदर ये सारी चीज़ें की गई हैं। और इसके पीछे जो पूरी कोशिश यह है कि लोगों का लगाव बना रहे, और जो डिब्बा बनाना है वो भी एक तरीके से आर्ट है, वो एक कला है जिसमें ये लोग निपुण हैं यहाँ पर, और उसी चीज़ को दर्शाने के लिए जगह जगह पर यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई गई हैं। तो फैक्ट्री के अंदर इस तरीके की पेंटिंग्स आप देख सकते हैं जिसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, चीज़ें हैं। और इस पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ SP बावरे जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, यहाँ ये जो कॉन्सेप्ट है क्यों ऐसा किया जा रहा है? जी, ये हमारे जो मुखिया है, एक बहुत ही डायनेमिक लीडर ICF को प्राप्त हुआ है, श्री सुधांशु मणि, जिनका सोचना ये है, और वो हम सब लोग मानते हैं कि वो बिल्कुल सही है, कि कार्य करते समय ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम कोई कार्य कर रहे हैं। जैसे हमारी कोई हॉबी होती है तो उसमें हम पूरे तन मन से इन्वॉल्व हो जाते हैं, और फिर वो भार नहीं लगता, वो एक बोझ नहीं लगता। जब कार्य करते हैं तो वो अगर हम लोग हॉबी की तरह करने लगे तो वो एक आसान हो जाता है, और उसमें क्वालिटी भी अपने आप इम्प्रूव होती है, प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होती है। तो ये कारखाने के अंदर आने के बाद ऐसे नहीं लगना चाहिए कि हम किसी कारखाने में आए हुए, ऐसे लगना चाहिए कि ये जैसे हमारी एक फैमिली है, और घर से निकल के घर के जैसे माहौल में आए हुए हैं, या किसी ऐसे वर्क स्पॉट पे आए जहाँ पर हम अपनी हॉबी पूरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से डिब्बे बनाए जा रहे हैं, और उनके बीच बीच में तमाम कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, और यहाँ पर पेंटिंग की गई है, और यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, तमाम लोग हैं, तमाम कारीगर हैं यहाँ पर जो लगातार डिब्बे बना रहे हैं। आप देख सकते हैं दूर तक डिब्बे बनाने का काम चल रहा है, क्योंकि एक टारगेट सेट किया गया है, जो टारगेट इस तरीके का है जिसमें लोगों की जान की सेफ्टी है, यानी लोगों को बचाने का भी एक पूरा कोशिश है। कहीं जो ट्रेडिशनल तरीके के कोचेज हैं उनसे जो एक्सीडेंट में लोगों की क्षति होती है, लोगों का जान माल का नुकसान होता है, उसको बचाया जाए, इसकी पूरी कोशिश है। लिहाजा यहाँ पर दिन रात काम चल रहा है, और उस काम में आर्ट को भी एक अलग महत्व दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके की कलाकृतियाँ हैं इसमें दिखाया गया है, देखिए। और ये मेन असेंबली शॉप 30 है, तो इस तरीके की पूरी कोशिश है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, तमाम लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं।